नमस्कार दोस्तों, बालकनी गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कटिंग लगाएंगे। बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है कटिंग का, और मैंने जो भी कटिंग अभी तक लगाई है वो सक्सेसफुली चल गई है। जितनी भी अभी तक मैंने 2-4 कटिंग लगाई थी, तो अब मैं और कटिंग लगा रही हूँ। और आप भी खूब सारी कटिंग लगाइए, बहुत अच्छा मौसम है बारिश का, और इसमें ज्यादातर लगाई हुई कटिंग्स चल ही जाती हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कटिंग लगाएं, उनमें से कुछ तो चलेंगी ही, और फ्री में आपके अच्छे अच्छे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो आज हम गुलदावदी जो होता है, जिसको बहुत अच्छे फूल आते हैं, उसकी कटिंग लगाएंगे, जिसको चंद्रमल्लिका भी बोलते हैं। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। देखिए, उसकी कटिंग मैं लेकर आई हूँ। नीचे से मैंने सारे पत्ते हटा दिए हैं इसके, और जहां से मैंने पत्ते हटाए वहीं से मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगी, और इसमें से वहीं से जड़ बन जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा मौसम है, इस मौसम में बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग लग जाती है, और सर्दियों तक अभी दो तीन महीने में मौसम जैसे ही ठीक होगा तो हमारे इस प्लांट्स पर फूल आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत ही सुंदर ये पौधा है, पूरे गमले को भर देता है, और जैसे जैसे इसमें से कलियां निकलनी शुरू होंगी तो आप इसको तोड़ते जाएं, और उससे ये बहुत ज्यादा बुशी बन जाता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है प्लांट। तो वही हमारा तरीका। सबसे पहले हम शहद लगाएंगे। ये मेरा शहद रखा हुआ है यहीं पर। मैं सभी कटिंग लगाने से पहले थोड़ा सा शहद लगा लेती हूँ नीचे, तो वही मैं इसमें लगा रही हूँ। शहद मैंने लगा लिया, इसको ऐसे करके मैं ऊपर तक थोड़ा घुमा दूंगी ताकि ऊपर तक फैल जाए। और इसके बाद हम इसको मिट्टी में लगा देंगे। मिट्टी एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी बनी हुई है, रेत मिक्स है इसमें, और खूब वेल ड्रेन मिट्टी है। और कोई भी कटिंग लगाएं तो उसमें ज्यादा पानी न लगाएं। ज्यादा पानी से मिट्टी की जड़ बनने से पहले ही वो गल जाती है कटिंग हमारी, और अच्छे से चल नहीं पाती। तो कोई भी आप कटिंग लगाएं तो उसमें पानी, बस उसमें नमी बनी रहे इतना ही दें, ज्यादा पानी ना दें। तो बस ये लग गई कटिंग हमारी, इसमें मैं पानी दे दूंगी, और आज पानी दूंगी बस थोड़ा ठीक सा, उसके बाद मैं बस इसमें थोड़ा नमी बना के रखूंगी जब तक ये चले ना। आप देखिए, मैंने इसमें 2 कटिंग और लगी हुई है, और ये मेरी बहुत अच्छे से चल गई है। इसमें से पत्ते भी निकलने लगे हैं, और अभी मैंने इनको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इनमें जड़ बन गई थी बहुत अच्छे तरह से। जब इनमें जड़ें बन गई थी तो मैंने इसमें इस गमले में बड़े में लगा दिया इन दोनों को, और ये बहुत अच्छे से इसमें से पत्ते निकलने लगे। और मैंने अभी चेक भी किया था, जिस दिन अभी मैंने कल परसों जब इन्हें गमले में लगाया तो अच्छे से इनमें जड़ बन रही थी। तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं कैसे मैंने लगाई थी, और कैसे कितने आराम से चल जाती है कटिंग। आप भी जरूर लगाएं, और बहुत अच्छे फूल आते हैं इस पर। तो यही तरीका है, सिंपल सा, बिल्कुल सादा, कुछ नहीं करना है, और बस आप ऐसी कटिंग लगाएं और आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये मेरे पास एक क्रोटोन की कटिंग भी है, इसी के साथ मैं इसको भी लगा देती हूँ शहद में लगाकर। थोड़ा सा इसको शहद लगा देती हूँ नीचे से। शहद लगाने से हमारी जो कटिंग है उसमें फंगस वगैरह नहीं लगती, और बहुत ही अच्छे से कटिंग हमारी ज्यादातर चली जाती है। तो ये शहद मैंने इस पर लगा लिया है, अगर ये चलेगी तो चली जाएगी। हाँ, इसके बराबर में लगा देती हूँ इसको, नहीं तो हमारी ये वाली तो चली जाएगी। ये बहुत काफी दिन, 4-5 दिन हो गए इस कटिंग को, ऐसी पड़ी थी तो अभी, लेकिन मैंने इसको देखा तो ये हरी थी, तो मैंने सोचा इसको भी लगा देती हूँ, अगर इसको चलना होगा तो ये चली जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, और बहुत ही अच्छा मौसम भी चल रहा है कटिंग का। आजकल लगाई हुई कटिंग तो ज्यादातर चली जाती है, क्योंकि नमी भरा मौसम है, बारिश हो रही है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।